ही घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युतानां च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए सभी देव योद्धाओं पर व्यर्थ विलाप करना आवश्यक नहीं है, वे सब मुझको प्राप्त हो जाते हैं। जब सारे समाज ने सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था, तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था। आप इस युद्ध को धर्म और अधर्म का युद्ध कहते हो, तो इस समय दुर्योधन की मित्रता निभाना ही मेरा परम धर्म है। मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी इस युद्ध में मैं कौरवों का साथ दूंगा। अजय शेष और आई है हार कौरवों की, महारथी सब झुकते हैं, पांडवों का ये उच्च मनोबल किसी विधा से ना डरते हैं। कौरवों की ऊंचा सी रणनीति कर दूं मैं पांडव सेना का संहार, जीत लूं मैं यह युद्ध, मेरे उदय यशमान। अर्जुन न सही, अर्जुन न सही, अभिमन्यु ही भारी है, अर्जुन न सही, अभिमन्यु ही भारी है। रणक्षेत्र की आग में आहुति डाली है, साम दाम दंड भेद है इसमें, इसी का नाम राजनीति है। भांजे सिंहासन तो तुम्हारा ही होगा, चाहे छीन कर क्यों ना लेना पड़े। कर रहा अभिमन्यु अकेले ही कौरव सेना का श्रृंगार, हर महारथी देखते हैं घुटने और मान रहे अपनी हार। जब हर महारथी करे एक साथ आक्रमण, तो है ये मेरे विचार अभिमन्यु अपनी अंतिम सांसें गिन ले। को धोखे से जाल में फंसा लिया, उन्हें बार बार धिक्कार है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, मैं प्रतिज्ञा आज करता हूँ, तोड़ दूंगा चक्रव्यूह द्रोण का, हुंकार युद्ध की भरता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सदाम मै। जब जब धर्म का नाश और अधर्म की उन्नति होती है, तब तब मैं क्षत्रियो के वंश में पैदा होकर इस सृष्टि का निवारण करता हूँ। जो मुझे सत्य देता है उसे मैं शांति देता हूँ, जो मुझे विचार देता है उसे मैं क्रांति देता हूँ, जो मुझे ज्ञान की बात बताता है उसे मैं आदर देता हूँ, अन्यथा मैं जानता हूँ जग मुर्दों का गांव है और जिंदे इंसान यहाँ कहीं कहीं कभी कभी मिलते हैं।